Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today our subject is Hindi and EVS. बच्चों, आज हम हिंदी और EVS दोनों सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो आप सभी पहले आपकी जो मॉडल सेमेस्टर सीरीज बुक है वो ले लो. तो बच्चों, ले ली सभी ने मॉडल सेमेस्टर बुक? वेरी गुड. अब आप सभी आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 91 ओपन करो. यहाँ पर हम आज की डेट लिखेंगे. अब बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? टेक राइट द थिंग्स यू फाइंड हेल्दी. बच्चों, हमें यहाँ पर जो हेल्दी थिंग्स है उसके आगे जो बॉक्स है उसमें राइट टिक करना है. ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? हैव अ बाथ एवरी डे, यूज अ क्लीन टॉवल टू ड्राई योरसेल्फ. बच्चों, आप ये हेल्दी थिंग्स मानते हो? आप रोज नहाते हो? यस. ओके, आप टॉवल का यूज करते हो आपका बॉडी क्लीन करने के लिए, आपके खुद के लिए? यस. तो ये हेल्दी थिंग है? यस, ये हेल्दी है ना? यस. तो यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे. ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो बच्चों, डू नॉट कॉम योर हेयर, कीप योर फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स लॉन्ग. बच्चों, ये हेल्दी थिंग्स हम कहेंगे. आप मानते हो कि रोज हमें बाल कॉम नहीं करने चाहिए, हमारे फिंगर के जो नेल है, फिर हमारे जो लेग्स के जो नेल है वो हमें बढ़ाने चाहिए, वो कट नहीं करने चाहिए, है ना? नहीं, ये हेल्दी थिंग नहीं है. आपको आपके जो बाल है वो कॉम करने चाहिए, आपके फिंगर के जो नेल है वो आपको टाइम टू टाइम कट करने चाहिए, है ना? यस, वेरी गुड. तो यहाँ पर हम टिक नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है. ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखो, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. तो बच्चों, आप टॉयलेट में जाते हो उसके बाद आप हैंड वॉश और सोप से आपके जो हैंड है वो वॉश करते हो? यस. तो ये तो एक हेल्दी थिंग है ना? यस, आपको ऐसा ही करना चाहिए. तो यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे. इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा है? हैव अ वॉश आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल और प्ले. बच्चों, आप खेलने के लिए जाते हो? यस. तो आप जब खेलने जाते हो तो वापस आप आके आप आपके हैंड वॉश करते हो? यस. फिर आप स्कूल भी आते हो ना? स्कूल आते हो, उसके बाद जब आप घर वापस जाते हो तो आपके हैंड वॉश करते हो? यस. तो ये एक हेल्दी थिंग है. आप खेलने के लिए जाओ, स्कूल में आओ और फिर वापस जाओ तो आपको आपके हैंड वॉश करने चाहिए. यस, तो ये एक हेल्दी थिंग है. तो यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे. अब यहाँ पे क्या लिखा है? डू नॉट ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर डिनर. बच्चों, आप मानते हो कि आपको सुबह उठ के ब्रश नहीं करना चाहिए, फिर शाम रात को भी आप जब सोते हो उसके पहले भी आपको ब्रश नहीं करना चाहिए? रॉन्ग. यस बच्चों, ये रॉन्ग है. आपको रोज सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए और रात को भी आप जब डिनर करते हो उसकी थोड़ी देर के बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए, आप जब सोने जाते हो उसके पहले, है ना? यस, वेरी गुड. ओके, तो बच्चों इसी तरह से जो हेल्दी थिंग है उसके आगे आपको टिक करना है. ओके, अब बच्चों हम पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 92 ओपन करेंगे. यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे. अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर एक्शंस दिए हैं. ओके, और यहाँ पर हमें स्पेलिंग भी दिए हैं. तो हम देखते हैं कि ये एक्शन कौन सी है. ओके, ये एक्शन आपको किसकी लग रही है? यस, स्किपिंग, है ना? आप स्किपिंग करते हो? यस. तो यहाँ पर स्किपिंग लिखा है ना, उस पर हम ऐसे करेंगे पेंसिल से और यहाँ पर नीचे स्पेलिंग लिखेंगे एस के
I double P I N G skipping. ओके इसी तरह से बच्चों यहां पर ये आपको क्या लग रहा है, ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है? यस स्विमिंग. तो यहां पर स्विमिंग लिखा है उस पर हम ऐसे डैश करेंगे और यहां पर लिखेंगे स्विमिंग. स्विमिंग का स्पेलिंग एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी स्विमिंग. ओके इसी तरह से बच्चों यहां पर ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है? यस जंपिंग. तो यहां पर ये जंपिंग लिखा है उस पर हम ऐसे डैश करेंगे और यहां पर जंपिंग का स्पेलिंग लिखेंगे जे यू एम पी आई एन जी जंपिंग. ओके इसी तरह से यहां पर ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है? यस रनिंग. तो यहां पर रनिंग पर डैश करेंगे और यहां पर लिखेंगे आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग. ओके यहां पर ये गर्ल है वो क्या कर रही है? रीडिंग. तो यहां पर रीडिंग लिखा है उस पर हम ऐसे डैश करेंगे और यहां पे लिखेंगे आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग. ओके इसी तरह से यहां पर ये जो गर्ल है वो खेल रही है तो यहां पर प्लेइंग लिखा है उस पर हम ऐसे डैश करेंगे और यहां पर लिखेंगे पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग. ओके तो बच्चों आप सभी को समझ में आया ना, यहां पर ये जो गर्ल्स है वो जो एक्शन कर रही है हमने उस एक्शन को यहां पर लिखा. ये स्किपिंग कर रही है तो स्किपिंग का स्पेलिंग लिखा, स्विमिंग तो स्विमिंग का स्पेलिंग लिखा. ओके तो इसी तरह से आपको ये पेज कंप्लीट करना है. अब बच्चों यहां पर हम पेज 93 ओपन करेंगे, यहां पर आज की डेट लिखेंगे. ओके अब बच्चों यहां पर आपको क्या करना है पता है? आपका जो फैमिली फोटो है वो आपको यहाँ पर स्टिक करना है. ओके आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स है सभी का एक फोटो होगा, फैमिली फोटो, वो आपको यहाँ पर स्टिक करना है. ओके और यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर नीचे लिखना है माय मदर्स नेम इज, आपको आपकी मम्मा का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है और आपके जो भाई बहन है उसका नाम लिखना है. ओके ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में. ओके बच्चों वेरी गुड. अब बच्चों हम पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 94 ओपन करेंगे, यहां पर आज की डेट लिखेंगे. अब बच्चों आपको ये पेज करने में बहुत मजा आएगा. इसमें आपको क्या करना है पता है? यूज क्रेयोन टू सर्कल द डिफरेंसेस, देर आर 5 डिफरेंसेस. यहाँ पे हमें दो पिक्चर दिए हैं, वो सेम टू सेम दिए हैं, लेकिन ये जो दो पिक्चर है उसमें कुछ डिफरेंसेस है. मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी, उसके बाद बाकी के सारे डिफरेंट आपको क्रेयोन की मदद से यहाँ पर कंप्लीट करने हैं. ओके तो एक डिफरेंस आप यहाँ पर देखो, यहां पर ये काव है लेकिन यहां पर काव नहीं है. देखो तो हम क्रेयोन की मदद से यहां पर सर्कल करेंगे. ओके यहां पर भी सर्कल करेंगे, यहां पर भी सर्कल करेंगे, क्योंकि ये दोनों पिक्चर में डिफरेंस है ना. यहां पर काव है, यहां पर नहीं है,
तो ये मैंने आपको एक डिफरेंट है वो दिखाया है। अब आगे आपको सभी डिफरेंसेस को फाइंड करने हैं और आपको क्रेयन की मदद से सर्कल करना है। ओके बच्चों, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, ये तो आपको करने में बहुत मजा आएगा। ओके तो बच्चों, अब हम ये बुक है वो क्लोज करेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पर लेंगे आपकी इंग्लिश की क्लास वर्क बुक। ले ली सभी ने? वेरी गुड। अब बच्चों आपको एक पेज ओपन करना है, यहाँ पर आज की डेट लिखनी है, फिर यहाँ पर आपको हेडिंग लिखना है स्पेलिंग पेज 92। ओके तो बच्चों यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो पेज 92 के है। यहाँ पर कौन कौन से स्पेलिंग है चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, जे यू एम पी आई एन जी जम्पिंग, आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी स्विमिंग, एस के आई डबल पी आई एन जी स्कीपिंग, पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग। ओके तो बच्चों ये जो सभी स्पेलिंग है ना वो आपको आगे यहाँ पर लिखने हैं, और मैंने जैसे आपको बोलना सिखाया वैसे ही आपको बोलना भी है। ओके बोलते जाना है और लिखना है, तो ये सभी स्पेलिंग अब आपको आगे घर पर लिखने हैं। ओके बच्चों, तो अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। फिर हमें कौन सी बुक लेनी है? हमारी इंग्लिश होमवर्क बुक। ले ली सभी ने? वेरी गुड। अब हम बुक ओपन करेंगे और एक पेज लेंगे, यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? जैसे हमने क्लास वर्क बुक में लिखा था वैसे ही यहाँ पर स्पेलिंग और पेज 92। फिर यहाँ पर आपको वही सारे स्पेलिंग लिखने हैं जो क्लास वर्क बुक में लिखे थे, रनिंग, जंपिंग, रीडिंग, स्विमिंग, स्कीपिंग, प्लेइंग। ओके ये सभी स्पेलिंग आपको होमवर्क में लिखने हैं, जो क्लास वर्क बुक में थे वही होमवर्क बुक में है। ओके तो अब आपको ये सब भी स्पेलिंग होमवर्क में करने हैं। तो अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। अब बच्चों आप सभी को लेनी है आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक। ले ली सभी ने? वेरी गुड। अब बच्चों आपको आपकी बुक का पेज नंबर 54 ओपन करना है, यहाँ पर आज की डेट लिखनी है। अब बच्चों यहाँ पर हम आज करने वाले हैं त से तरबूज की मोटी खाल, हरा है बाहर अंदर लाल। आप सभी ने तरबूज देखा है ना, बाहर से कैसा होता है? यस, हरा और अंदर से लाल। वेरी गुड। तो आज हम त करने वाले हैं। तो हम त कैसे करेंगे? देखो पहले हम त की लाइन है वो ट्रेस करेंगे। ओके तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर ऐसे सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के बीच में यहाँ पर स्लिपिंग लाइन, फिर थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन, फिर यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। ओके इस तरह से आपको तो करना है, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। ओके इसी तरह से आपको क्या करना है बच्चों? यस, त से क्या होता है? तरबूज। यस वेरी गुड। आप सभी को ये याद रखना है, और जो फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई है उसी तरह से आपको लिखना है। ओके ओके तो अब आपको ऐसे ही यहाँ पर लिखते जाना है। देखो त से तरबूज, पहले सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के बीच में स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। इजी है ना? यस वेरी गुड। इसी तरह से आपको यहाँ पर त लिखना है और याद रखना है त से तरबूज। यस तो बच्चों अब आपको इसी तरह से त से तरबूज यहाँ पर ये पेज में कंप्लीट करना है,
और यहाँ पर भी आपको पेज में ट लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको स्टार दिया है, उसे आपको पेंसिल की मदद से पहले डॉटेड लाइन है उसे ज्वाइन करना है और फिर उसमें कलरिंग करना है। ओके, और यहाँ पर आपको ये जो वर्ड है वो कंप्लीट करना है। ओके, वेरी गुड। तो अब आपको होमवर्क में ये पेज और ये पेज करना है। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे, फिर हम लेंगे यहाँ पर आपकी हिंदी की क्लास वर्क बुक। ले ली सभी ने? वेरी गुड। अब आपको एक पेज लेना है, यहाँ पर आज की डेट लिखनी है और यहाँ पर आपको लिखना है व्यंजन त, और यहाँ पर आपको लिखना है त, यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो बच्चों जैसे आपने हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखा वैसे ही यहाँ पर त लिखना है। सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के बीच में पहले स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, एकदम इजी है। त से तरबूज, यस। तो बच्चों जैसे यहाँ पर त किया ना, अब पूरे पेज में आपको त लिखना है। ये पूरे पेज में जो त लिखना है वो आपको होमवर्क में लिखना है। त से तरबूज आपको याद भी रखना है। ओके, तो अब बच्चों हम ये बुक क्लोज करेंगे। तो बच्चों आप सभी ने देखा ना, बहुत मजा आया। ओके, तो इवीएन सब्जेक्ट में मैंने आपको जैसे पढ़ाया है वैसे आपको घर पर करना है, और हिंदी में भी मैंने आपको जो सिखाया है आपको आगे अब घर पर करना है। ओके, मैंने जो होमवर्क दिया है वो आपको घर पर करना है। आप सभी को होमवर्क करना बहुत अच्छा लगता है ना? वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट